सबसे पहली बात तो ये है, दूसरा खाना भी बहुत अच्छा मिल जाता है खाना खाने को मिल तो बड़ा मजा आ रहा है। आई नो यार, अभी मतलब हाँ हमारा भी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है शो के बीच में, तो एग्जाम्स के साथ इधर शूटिंग भी मैनेज करी थी, तो इट वाज लाइक टेरिबल, बट यस सब कुछ अच्छा जा रहा है तो वी आर आल्सो हैप्पी। काम करने में भी मजा आ रहा है, जब सब कुछ अच्छा जाता है तो एक्चुअली काम करने में मजा आता है। पर डे काफी ज्यादा था तो उसके लिए मैंने हाँ बोल दिया था, दूसरा कहा नहीं टाइम के लिए, तो अब वो करने में मजा आएगा। God's grace, I got this opportunity, और मैं ये शो being a part of first is always special। जैसा इन्होंने बताया हमारे प्रोडक्शन का ये पहला शो है, तो ये अपने आप में देख के लोग बोलते रहे छुई मुई ऐसा है क्या वैसा वाला चीज, तो वो चीज वो परसेप्शन आई होप कि मैंने कुछ हद तक लोगों की बदल दी हो आफ्टर प्लेइंग डायन। पोल डांस वोल डांस होने वाला है तेरा? मुझे पुरानी बिंदु की बड़ी याद आ रही है। थैंक यू सो मच मैम, 50 एपिसोड्स कंप्लीट होने पर भी आप आए, 100 एपिसोड कंप्लीट होने पर भी आप लोग हमारे साथ में हैं, 200 पर 300 पर भी आप लोग साथ में ही होंगे। सो या कैसा लग रहा है? इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। एक तो एक्टिक शेड्यूल के बीच में सब लोग मिल जाते हैं, सबसे पहली बात तो ये है, दूसरा खाना भी बहुत अच्छा मिल जाता है खाना खाने को मिलता है ना। या इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग दो, 100 एपिसोड कंप्लीट होना आज के टाइम टास्क हो गया है किसी भी चैनल पर किसी भी शो के लिए, माइलस्टोन। यस, सो वी हैव अचीव्ड दैट एंड वी आर हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर शो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ आज 100 एपिसोड के सेलिब्रेशन में भी आप शामिल हुए हैं, और ऐसे ही हम आगे भी मिलते रहेंगे यही आशा है। और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है सबसे मिलकर, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ऐसा है ना, मैं ज़्यादा लोगों के साथ शूट नहीं कर पाती हूँ हमारे शो में, सो आज के ऐसे जश्न के मौके पर ही मैं बाकी पूरी कास्ट से भी मिल पाती हूँ, शूटिंग के दौरान तो मिलना नहीं हो पाता है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आई नो यार, अभी मतलब हाँ हमारा भी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है शो के बीच में, तो अभिमन्यु से मैं मिलती रहती हूँ, चंद्रिका से मैं मिलती रहती हूँ, बट अदरवाइज बाकी सबसे मिलना नहीं हो पाता है, तो मज़ा आ रहा है। थैंक यू। सी एज यूजुअल इन्होंने बता दिया सब कुछ, तो बता ही दिया कि हमारा हेक्टिक हमारा स्केड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, मेरा तो बहुत ज़्यादा ही होता है बिकॉज मेरे अभी एग्जाम्स भी चल रहे थे, मैं एग्जाम्स के साथ इधर शूटिंग भी मैनेज करी थी, तो इट वॉज लाइक टेरिबल, बट यस सब कुछ अच्छा जा रहा है तो वी आर ऑल्सो हैप्पी। काम करने में भी मज़ा आ रहा है, जब सब कुछ अच्छा जाता है तो एक्चुअली काम करने में मज़ा आता है। तो पर डे काफ़ी ज़्यादा था तो उसके लिए मैंने हाँ बोल दिया था, दूसरा कहानी बहुत अच्छी थी एंड तीसरा प्रोड्यूसर्स एंड मेकर्स दे आर रियली गुड। प्लस फोर्थ मैं जो जितने भी सब्जेक्ट मैंने किए हैं, जो 5-6 शोज़ किए हैं, सब फीमेल ओरिएंटेड थे, तो उससे भी मैं थोड़ा सा पक गया था, मुझे ब्रेक लेना था, तो अब ये ब्रेक बहुत अच्छा ब्रेक मिला है लंबे टाइम के लिए, तो अब वो करने में मज़ा आएगा, तो ऑल दीज आर द रीजंस। मुझे ये कैरेक्टर ने बड़ा अट्रैक्ट किया था, बिंदु का जो कैरेक्टर मुझे नरेट किया गया था वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगा मुझे, और मुझे ऐसा लगा कि ये अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, और मुझे जेन्युइनली बहुत बहुत दिल से ये कैरेक्टर प्ले करना था, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं ये शो का पार्ट बनी हूँ, और कहानी तो बहुत ही बढ़िया थी, और मैं पहली बार क्योंकि इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रही थी, और ये हमारे प्रोडक्शन हाउस का भी पहला शो है, तो इट्स रियली ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ब्यूटिफुल शो। See, being a part of being a part of first is always special। जैसा इन्होंने बताया हमारे प्रोडक्शन का ये पहला शो है, तो ये अपने आप में मेरे लिए भी बहुत स्पेशल बात है कि आप इससे जुड़े हो, एंड टू बी ऑनेस्ट इसकी स्टोरी लाइन थोड़ी हटके थी, थोड़ी अलग थी, जो अभी चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा यूनिक थी, तो एंड हॉरर जॉनर, फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरर जॉनर मेरे टू डू लिस्ट में था, तो इसके लिए शायद मैंने हाँ बोला, एंड टीम इज अमेजिंग एंड यस ऑफ कोर्स, एंड प्रीति का कैरेक्टर इज लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तो मुझे देख के लोग बोलते रहे छुई मुई ऐसा है क्या वैसा वाला चीज़, तो वो चीज़ वो परसेप्शन आई होप कि मैंने कुछ हद तक लोगों की बदल दी हो आफ्टर प्लेइंग डायन, सो या दैट्स द रीजन आई सेड यस टू द शो। जितना भी आपने
यार मुझे एक मैं बड़ा मिस करता हूँ इस शो में, वो है बिंदु के साथ डांस करना। शी इज एन अमेजिंग डांसर। तो इसका कैरेक्टर भी वैसा ही था, पता नहीं तू करने वाली है इसमें? हाँ, कुछ पोल डांस वोल डांस होने वाला है तेरा? पुरानी बिंदु की बड़ी याद आ रही है। नहीं, आई वॉज स्टिल फाइन, यू नो, मुझे उसमें बड़ा ज्यादा मजा आया था क्योंकि बहुत अलग कैरेक्टर था वो। एवरी डे तैयार होने में भी इतना मजा आता था, अब तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं खुद भी बाहर जाने के लिए जैसे तैयार होती हूँ वैसी तैयार हो रही हूँ, बट वो बिंदु में अलग ही नमक था, तो आई मिस दैट। आएगा आएगा इसमें तड़का। मेरे चाचा और मेरा भाई की बॉस ही है, तो अभी तो मुझे अभी बिंदु जी की रिस्पेक्ट। थैंक यू। हाँ, फैंस और ऑडियंस के लिए यही कहेंगे कि थैंक यू, आपने इतना देर सारा प्यार दिया हमारे शो को और हम सब ऐसे ही देते रहिए प्लीज। थैंक यू सो मच, प्लीज कीप वॉचिंग आर शो दस्तक ऑन स्टार भारत एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड यू आर वॉचिंग अस ऑन वायरल टीवी। हाई, दिस इज आयुषी भावे एंड यू आर वॉचिंग अस ऑन वायरल टीवी। हाई, दिस इज शामवी सिंह एंड यू आर वॉचिंग अस ऑन वायरल टीवी। थैंक यू।